डूंगरपुर शहर की बेटी जयबाला चौहान को राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक पद पर चयन होने के बाद डूंगरपुर निवास पहुंचने की सूचना पर नगर मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को महिला मोर्चा की टीम के द्वारा सुभाष नगर निवास स्थान पहुंचकर फूल माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। साथ ही महिला मोर्चा जिला मंत्री अचला वसीटा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बेटी जयबाला की कामयाबी पर पूरा शहर गौरवान्वित हुआ है। यह हमारे शहर की पहली बेटी है जो सब इंस्पेक्टर बनी है और इससे जिले की बच्चियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपको बता दें कि शहर की बेटी जयबाला चौहान राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में अपनी पुलिस ट्रेनिंग ले रही है। जयबाला चौहान पुत्री हिम्मत सिंह चौहान के दादाजी डूंगर सिंह चौहान एएसआई पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हिम्मत सिंह कहते हैं कि बेटी ने महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए साल 2016 में आवेदन किया था और पहले ही प्रयास में उसने सफलता हासिल की। इस मौके पर पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व पूर्व पार्षद रीटा कुमार चौहान, प्रीति जैन, अचला वसीटा, निकिता कंसारा, भावना राव, प्रभा टेलर, कश्मीरा जैन, मंजुला टेलर व सौम्या उपस्थित रहे। हमारे लिए बड़े आज हमारे बीच बड़े गर्व की बात है कि हमारे डूंगरपुर की बेटी नहीं इसके परिवार को इसके ऊपर फक्र है बल्कि हमारे पूरे डूंगरपुर को हमारे यहाँ डूंगरपुर की हर एक महिला को आज गर्व की बात है कि ये हमारे डूंगरपुर से पुलिस सब इंस्पेक्टर बन के डूंगरपुर में आई है और इससे हमें बहुत सी उम्मीद है। ऐसी बच्चियों से हमें बहुत सी उम्मीद है और मैं इसे ढेरों बधाइयां देती हूँ कि मतलब ये और आगे जाए, सूर्य की तरह प्रकाशमान हुए और हमारे डूंगरपुर का नाम आगे से आगे और भी रोशन करें, यही उम्मीद करती हूँ मैं इसके साथ। और उसी के साथ मैं इसी क्रम में मैं इसको ये कहना चाहती हूँ कि जो पद आपने चुना है बेटा उसमें आप हमेशा आगे रहो और महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे रहना और सच्चाई के पद को चुनना और जहाँ महिलाओं का बात आती है वहाँ हमेशा महिलाओं की तरफदारी को देखते हुए उनके हित में ही काम करना, यही उम्मीद के साथ एक बार पुनः मैं आपके परिवार के हर एक सदस्य को मैं तहे दिल से दुआएं और धन्यवाद दूंगी कि जहाँ से ऐसा हीरा निकला और मैं यहाँ मेरी जो इस मंच से जो भी मेरे को सुन रहा है उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों की तरफ पढ़ाई की ओर ध्यान देवे और ऐसे ही फिर से हमें गौरवान्वित होने का मौका देवे और अपनी बच्चियों को इसी मार्ग की ओर अग्रसर करें। जो हुए मैं एक बार बेटा फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है।